अस्सलाम दोस्तों, अब बात करेंगे पाकिस्तान वजीर आजम हाउसिंग स्कीम के हवाले से। पंजाब में सस्ते घर बनाने के लिए मकाम की निशानदाही कर ली गई है। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी जगह है, कौन सा एरिया है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने कहा है कि सस्ती लागत के घर बनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में 133 मकामात की निशानदाही कर ली गई है। रेमंड में प्राइम मिनिस्टर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने की एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब का कहना था कि रेमंड, चूनिया, मंडी, बाउदी, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा, चिन्योट, खानेवाल, मुल्तान और डेरगाजी खान में प्राइम मिनिस्टर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑल पे कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आइए चलते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। इनका कहना था कि सूबे में सस्ती लागत के घर बनाने के लिए मुख्तलिफ शहरों में 133 मकामात की निशानदाही कर ली गई है। पहले मरले में 26 तहसीलों में 32 मकामात पर 10,120 घर बनाए जाएंगे। घरों का रकबा 3 से बढ़ाकर 3.5 मरले कर दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। इनका कहना था कि 3 अरब रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। सब्सिडी के बाद 14 लाख रुपए मालियत का घर सिर्फ 11 लाख रुपए में मिलेगा, जबकि बैंक ऑफ पंजाब 10 लाख रुपए तक कर्ज फराम करेगा। इनका कहना था कि तरीके इंसाफ के बैनर तले अवाम को सस्ती रिहायशी सहूलतें देने का काम जिहाद समझ कर किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ। ZA इंफॉर्मेटिव TV को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।